टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत उन्होंने डीपी सिंह जो कि भूमि अध्यापति अधिकारी थे उनके आवास पर जो है पहले उनके 4 ठिकानों पर जो है छापेमारी की, वही उनके आज एक ठिकाने और पर जो है उन्होंने छापेमारी की है, लगातार जो है तलाशी की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि डीपी सिंह जो है यहाँ से फरार हो चुके हैं। पुलिस इससे पहले 4 जो उनके ठिकाने थे उनके आवास थे वहां पर भी जो है छापेमारी कर चुकी है, लेकिन डीपी सिंह जो है पुलिस की पकड़ से दूर ही रहे। एक टीम ने जब बात की जा रही है NH-74 घोटाले की, तो पुलिस ने लगभग जो है पूरे प्रदेश में 10 टीमें बनाई हैं और 10 टीमें जो है अलग अलग जगहों में छापेमारी कर रही हैं। उन्हीं में से एक छापेमारी आज देहरादून राजपुर रोड 64A है यहाँ पर की जा रही है। ये डीपी सिंह है, ये मौजूदा जो थे ये भूमि अध्यापति अधिकारी थे जिन्हें जो है निलंबित कर दिया गया था, सरकार ने उन्हें निलंबित कर दी थी। वहीं उसके बाद जो SIT की टीम है, पुलिस की टीम है, आज उनके आवास में पहुंची है और तलाश की जा रही है उनकी, लगातार उनकी तलाश की जा रही है। वहीं कई उनके घर पे भी जो है, भी जो उनका यहाँ पर मकान है इसमें पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस जो है उनके घर को भी खंगाल रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कुछ जो सुराग हैं वो हाथ लगे, लेकिन डीपी सिंह जो है वो पुलिस के हाथ में फिलहाल नहीं लगे हैं। SIT की टीम भी जो है लगातार सर्च कर रही है कि किस तरह से डीपी सिंह को पकड़ा जा सके। मेरे सहयोगी मंटू शर्मा के साथ मैं योगेश सेमवाल, APN न्यूज़ देहरादून।